भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डाली है, उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता है। अर्बन नक्सल अर्नब गोस्वामी। सीरियसली जब मुझे ये कोई अर्बन बोलता है ना, मुझे अर्नब सुना ही देता है। सर्जिकल स्ट्राइक तो बड़ा भारी भरकम टर्म है अंग्रेजी का। हमने कहा कि छुपा छुपी खेले हो, बोला हाँ, तो पीछे से जाकर के जो थप्पा बोल देते हैं ना, वही सर्जिकल स्ट्राइक है। लोग जो है चापलूसी करके अपना चैनल खोल ले रहे हैं, मतलब नेशन वांट्स टू नो पहले कहीं और पूछ रहे थे, अब कहीं और पूछ रहे हैं। भारत में कुछ ही ऐसे नेता हैं जो सत्ता सरकार और गोदी मीडिया की खुलकर आलोचना करते हैं। आज हम ऐसे ही एक नेता की बात कर रहे हैं, वो है कन्हैया कुमार की। कन्हैया अक्सर डिबेट में ही सामने वाले पर हावी हो जाते हैं और अपने भाषणों के जरिए सरकार से तीखे सवाल भी करते रहते हैं। आज हम आपको कन्हैया कुमार के कुछ ऐसे ही डिबेट्स और भाषण दिखाएंगे जिनमें कन्हैया बीजेपी और मीडिया पर जमकर बरसे हों। एक कार्यक्रम में कन्हैया कुमार से आकाश बैनर्जी ने रैपिड फायर राउंड में सवाल पूछे। कन्हैया से मीडिया और पॉलिटिक्स को लेकर कुछ सवाल किए, जिसके जवाब कन्हैया ने कुछ इस तरह से दिए। Here goes the rapid fire. What does Kanhaiya Kumar think when I say मंदिर वही बनेगा? उनकी तरफ बोलो, मंदिर वही बनेगा। मंदिर वही क्यों बनेगा? कण कण में भगवान है, जहाँ चाहिए वहाँ बना लीजिए। अर्बन नक्सल अर्नब गोस्वामी। सीरियसली जब मुझे ये कोई अर्बन बोलता है ना, मुझे अर्नब सुना ही देता है। इट्स ट्रू। जेएनयू बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। पेट्रियट आई एम, यू आर, वी आर। भक्त गलत भगवान चुन लिए। राहुल गांधी। राहुल गांधी लोग तो कहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपका फेवरेट अर्नब गोस्वामी। क्रांति का बहुत बड़ा दुश्मन भोपू, यू कैन से। अमित शाह। भोपू के बहुत अच्छे रखवाले। फाइनल वर्ड जुमला नरेंद्र मोदी। वहीं एक और कार्यक्रम में पुलवामा को लेकर बातचीत हुई। बाबा रामदेव और संबित पात्रा के बाद कन्हैया ने भाषण दिया। कन्हैया कुमार ने अपने भाषण में दोनों संबित पात्रा और बाबा रामदेव की कड़ी आलोचना की। साथ में हम लोग चाय पीते हैं, चाय की दुकान पे काम करता है एक लड़का। जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था तो उसने पूछा कि भैया ये का है सर्जिकल स्ट्राइक? तो हम बोले कि इसको समझाएं क्या, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक तो बड़ा भारी भरकम टर्म है अंग्रेजी का, इसको समझाएं कैसे? हमने कहा कि छुपा छुपी खेले हो, बोला हाँ, तो पीछे से जा करके जो थप्पा बोल देते है ना, वही सर्जिकल स्ट्राइक है। साहब कह रहे थे अभी बाबा जी की मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, आप इंटरनेशनल व्यापारी हैं, और आपने जो है क्या बढ़िया से स्वदेशी की ब्रांडिंग की है। इसके साथ साथ आपने कहा, मैं आपका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि आपने कहा कि आपके पास दिमाग है, आप सोचिए। बिल्कुल हमारे पास है, हम सोचेंगे। फिर आपके कहने पे पतंजलि का मंजन क्यों इस्तेमाल करेंगे, अपने दिमाग से सोचिए करेंगे। हमारे पात्रा साहब आए और उन्होंने कहा कि ट्यूमर निकालेंगे, ट्यूमर है, और ट्यूमर निकालने के लिए गए, उन्होंने डिमोनिटाइजेशन किया, 100 से ज्यादा लोग लाइन में लग करके मर गए। बताइए आपकी ये जो जान गई है, ये देश के लिए ट्यूमर है कि आप गरीबी की बात करते हैं, कास्टिज्म की बात करते हैं। मोदी जी गरीबी ले आए हैं नहीं तो मोदी जी तो आतंकवाद भी नहीं लाए हैं। मोदी जी अगर गरीबी नहीं लाए हैं तो मोदी जी जो है वो आतंकवाद भी नहीं लाए हैं। मतलब कहीं जो है हम अपने आप को बेचेंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, और जहाँ कहीं जहाँ हमारा दाल नहीं गलेगा वहाँ हम अपनी ब्रांडिंग नहीं करेंगे। इंडिया टुडे में एक भाषण के दौरान कन्हैया पर कुछ इल्जाम लगे, जिसका कन्हैया ने जवाब भी दिया और मोदी और बीजेपी की काफी आलोचना भी की। तीन आरोप लगाया गया। पहला कि आप जो है 30 बरस तक पढ़ क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री जी 35 बरस में MA किए, हम 30 बरस में PhD किए हैं, क्या गलत किए हैं मोदी जी, आप ही बताइए। तीसरी बात, ये जो है व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है खुले में शौच करते हैं, तो आपकी पार्टी के लोगों ने बलात्कार किया, तो आप जो है कांग्रेस से मिल गए, आप कांग्रेस से पैसा खा गए। आप समझिएगा इस पे, बहन की शादी में 10 करोड़, सुनिएगा इसका जवाब दीजिएगा। कांग्रेसी नेता सब जब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ करके मंत्री बन जाता है तो शरीफ हो जाता है, जब वो दूसरी पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डाली है, उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता है। ये जो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं उस पर सुन लीजिए। पहली बात, मेरे ऊपर अगर कुछ भी गलत हुआ होता ना रोहित जी, सुनिए ना, कुछ
अरे सुन तो, अरे झूठ मत बोलिए, कुछ भी अगर हम गलत किए होते ना रोहित जी अगर हम कुछ भी गलत किए होते ना तो आपके मोदी चचा का इतना कुर्ता खींचे है ना का फिर से हमको जेल में डाल दिए होते हैं। सुनिए, और आप बार बार जो है ना ये जो व्यक्तिगत आरोप आप लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि आप आवाज को दबा दें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सच को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता है। कन्हैया कुमार ने एक भाषण में बताया कि कैसे बीजेपी सरकार जनता को मुद्दों से भटकाती है और बीजेपी पर निशाना फिर साधा। हमारा ध्यान कहीं और भटकाया जा रहा है, हमको गुमराह किया जा रहा है, हमको आपस में हिंदू और मुसलमान करके लड़ाया जा रहा है ताकि इस देश की सरकार देश की सरकारी संपत्तियों को अपने दोस्तों के हाथ में लुटा सके। बताइए ऐसा कौन बात होता है कि अपना बच्चा मांगे जूता तो उसको दे थप्पड़, और पड़ोसी के बच्चा को जूता के बदला छत्ता खरीद करके ला दे, ऐसा कौन बात होता है? ऐसी कौन सरकार होती है कि BSNL को बेच रही है और जियो को धन धनाधन करवा रही है? ऐसी कौन सी सरकार होती है? हमको ये समझना पड़ेगा कि चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान क्यों होने लगता है, क्यों दंगा भड़कने लगता है? इसीलिए दंगा भड़कने लगता है कि आपके बच्चे के पास प्रतिभा है, उसके पास मेरिट है, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अमित शाह का बेटा जो उसका फोटो कॉपी है उसको BCCI का सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आएगी। इसीलिए इस देश की आवाम के सामने एक बड़ी चुनौती है। जब हम कहते हैं कि देश बचाएंगे तो देश बचाने का क्या मतलब होता है? देश बचाने का मतलब होता है कि हम देश के लोगों को बचाएंगे। कन्हैया से एक कार्यक्रम के दौरान किसी ने मीडिया पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में मीडिया को लेकर आलोचना भी की और उन्होंने कुछ अहम बातें भी बताई। जर्नलिस्ट सिर्फ अकेले इस बात के लिए दोषी नहीं है जो आज वो कर रहे हैं और जो उनको करना पड़ रहा है। ये एक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। स्ट्रक्चर ये है कि पहले जो मैनेजमेंट होता था वो पत्रकारों के हाथ में ही होता था। आज पत्रकारिता अलग हो गई है और प्रबंधन अलग हो गया है, मैनेजमेंट अलग हो गया है। आज मैनेजमेंट में वो लोग बैठे हुए हैं जो इन्वेस्टर्स की तरफ से बिठाए गए हैं, जो चैनल का मालिक है उसने जिसको बिठाया है, या एडिटर भी जो पहले कभी पत्रकार रहा हो वो पत्रकार की हैसियत से एडिटर नहीं है, वो मैनेजर की हैसियत से CEO की हैसियत से वो एडिटर बन करके वहां बैठा हुआ है। नतीजा क्या हो रहा है कि पत्रकारिता पीछे छूट गई है और बिजनेस उसके ऊपर हावी हो गया है। ऐसे जब हालात बनाए गए हैं तो पत्रकार को भी लगता है कि पत्रकारिता करने से तो अच्छा है कि चापलूसी कर लें, क्योंकि इसमें ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना है। लोग चापलूसी करके इस देश में राज्यसभा का मेंबर बन जा रहे हैं, राज्यसभा के सांसद बन जा रहे हैं। लोग जो है चापलूसी करके अपना चैनल खोल ले रहे हैं, मतलब नेशन वांट्स टू नो पहले कहीं और पूछ रहे थे अब कहीं और पूछ रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पत्रकारिता करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। ये थे कन्हैया कुमार के कुछ स्पीच और डिबेट जिसमें कन्हैया बीजेपी और मीडिया की जमकर आलोचना कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया और सरकार जनता के भलाई के लिए काम करे और उनकी परेशानियों का हल करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।